अरे कंटे पकड़ लो। यहाँ देखो कितनी सारी भीड़ हो रही है। भारतनाथ बाबा के जय हो। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है अम्बावस, वो भी सावन की अम्बावस। तो गाइस, हम जाने वाले हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए मढ़िया घाट। तो हाँ, पहले नहाते हैं जा करके, उसके बाद हम जाएंगे। और काफ़ी आज मेला लगेगा भाई, सावन की अम्बावस है, बहुत सारी भीड़ होगी, जो कि यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर है हमारे गाँव से, और ज़्यादा दूर तो है नहीं। हाँ, रितेश भी साथ में आएगा, तो आ जाएगा देखो 1-2 घंटे में। सबसे पहले नहाते हैं चल के, उसके बाद चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइज, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बस रितेश का वेट कर रहे हैं। जैसे ही रितेश आ जाते हैं चलते हैं। तो गाइज, रितेश भी आ चुके हैं, तो अब हम दोनों भाई चलते हैं। मोटरसाइकिल, जहाँ देखो उधर मोटरसाइकिल। देखो भाई साहब, कह रहे थे ना भीड़ होगी। हाँ, सावन में लोग वैसे नहीं दिखते हैं। और देखो, भक्ति के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे, तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है। गाइस देखो, हम लोग पहुँच चुके हैं मढ़िया घाट, और देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। मैंने बताया था ना इतनी ज्यादा भीड़ होगी भाई साहब। देखो भाई साहब, ये भैया सावन का मेला है, कुछ लोग जगह ना मिलने पर सीधे निकल जा रहे हैं। अब हम दिखाते हैं आपको ये चारों तरफ का नज़ारा। तो गाइज, अब जा रहे हैं इस पार से उस पार जाएंगे दर्शन करने के लिए। जगह ले लेना इनसे, ठीक है? मिलेगी। भोले बाबा की मेहरबानी है, हमारी क्या मेहरबानी। ये तो हमारे साथ में दो दो लोग अनूप, ये भी अनूप है, ये भी अनूप है। चलो सीधे मंदिर नहीं चलेंगे अभी। एले, एले। भीड़ देखो, भीड़। पारसनाथ बाबा की जय हो। पारसनाथ बाबा की कंटे पकड़ लो। देखो हमारे कुछ लोग मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोगों को निकलना मुश्किल हो गया था, और दर्शन तो मान लो ऐसे हुए हैं।
जैसे तैसे हम लोग बाहर निकल आए हैं, अब चलते हैं बाहर निकल के बात करते हैं। अब देखो साइड कितनी सारी भीड़ हो रही है अभी, देखो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है भाई। उधर रितेश भी खो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। हम यहाँ खड़े हैं, कहाँ हो तुम? अरे यार तुम कहाँ थे? तो गाइस हम लोग आ गए हैं दर्शन करके, और भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो इधर आ गए एकांत में, क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था ना, इसलिए हम लोग आ गए इधर। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया, मैं तो फंस गया था उसमें भीड़ में। और पता है भीड़ में ऑटोमेटिक चल धक्का दे रहे थे, ऑटोमेटिक हम लोग चल रहे थे। देखो हम लोगों की पैरों की हालत क्या हो गई, ये देखो। और हमने मत्था टेका भोले बाबे के ऊपर, और सारे के सारे ऊपर लद गए भाई, दोनों लोग फंस गए थे। और पेल दो जो कुछ वो काट दी, वो बीच में वो काट दी, कहते जो काट दी वो जो काट दी। अब चलेंगे सीधे घर को, और हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, हम लोग लेट गए, ऊपर से जल चढ़ा दिया भोलेनाथ से, पहले हम लोगों पे जल चढ़ गया, मजा आया था। जल चढ़ाए और दूध भी डाल दिया, देखो दूध भी डाल दिया। ये देखो इधर सब गंदे हो गए, मक्खी लग रही, देखो ये मक्खी लग रही। कितने भगवान के दीवाने लोग रहे। तो भाई राम बाबू मिल गए, मिलेंगे कैसे नहीं, और दर्शन हो गए। चलो कल हम लोग मिले, आज फिर मिल गए, देखो बाबा की कृपा हुई फिर हम लोग मिले। तो ठीक है हम लोग भाई जा रहे हैं, अब तुम इंजॉय करो अपना मेला। नमस्ते हट, और देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है साहब। आज एक दूसरे का ब्लॉग कर रहे हैं हम दोनों लोग, इसे फोन पकड़ो और कोई फोन लेके चला जाए, हाथ हिलाते रह जाओ। क्या लेके आए थे? फोन लेके आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं, और फोन दूसरा ले जाएगा, फिर बोलोगे फोन लेके आए थे और हाथ हिलाते चले गए। भैया कन्हैया बैठा उतरिया।